ये सारे कार्य शीघ्र हो ताकि उन्हें श्रद्धांजलि मिले और जनता को जल्द से जल्द राहत मिले। धन्यवाद सर। श्री सीपी जोशी जी, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, रेलवे की अनुबंध मांगों पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इनका समर्थन करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री आदरणीय अश्वनी जी का और रेल राज्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐतिहासिक बजट इस रेलवे के क्षेत्र में दिया है। मैं सोचता हूं कि पहले कोई जमाना था जब रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो गंदगी से अटा पड़ा स्टेशन मिलता था, लेकिन ये पहला अवसर है जब कोई रेलवे स्टेशन पे जाता है तो लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट पे आ गए या रेलवे स्टेशन पे आ गए। ये अंतर पहले में अब में दिखाई देता है। कोई भी संसदीय क्षेत्र हो, कोई भी प्रदेश हो, पहले के और अभी के बजट में बहुत रात दिन का अंतर है। चाहे डबलिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे न्यू रेलवे लाइन हो, चाहे गैस कन्वर्जन हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान में पिछले कई सालों में जो काम नहीं हुए थे उन कामों को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शुरू करने का काम किया। और हमारा सौभाग्य भी है कि राजस्थान से ही हमारे रेलवे मंत्री भी हैं और आने वाली जो मांगे होगी निश्चित रूप से वो भी उनको पूरा करने हैं। हाँ, ये कई राज्यों से जोड़ सकते हैं आपको। मैं नहीं, महाकाल के भी आप चिंता मत करो। उज्जैन उज्जैन के भी हैं आप वजन तो देखिए उनका, उनके वजन को मान्य कीजिए। मैं सोचता हूं कि यही एक खूबी होती है कि देश का हर व्यक्ति, हर सांसद कह रहा है कि हमारे रेल मंत्री हैं, ये हमारी सरकार है, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। ये यही एक अपनत्व है और यही एक विश्वास है और इसी विश्वास के कारण पिछले 7-8 वर्षों में अनेक काम हुए और मुझे लगता है कि इस जो स्पीड है इसकी और बढ़ने लगी है। चाहे रेलवे स्टेशन का सुदृढ़ीकरण हो, विस्तार हो, चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में काम हो, चाहे पार्सल के क्षेत्र में काम हो, चाहे किसान ट्रेन चलाना हो, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से काम हो, चाहे वंदे भारत कई ऐसी ट्रेनें चलाने का संकल्प 3 वर्षों में 400 नई ट्रेनें चलाना हो। चूंकि कई विषय आ गए लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बात शुरू करता हूं। अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र जो मेवाड़ राजस्थान में है, बड़ी साड़ी से मावली एक रेलवे लाइन थी जिसको हिजाइनेस के जमाने में बनी थी, उसको पुरानी सरकार ने यूपीए की सरकार के समय इसको पटरियां उखाड़ने का काम शुरू हो गया। वहां संघर्ष समितियां बनी, लोग गए तो वहां के नेताओं ने कहा कि हम देखेंगे, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आज मावली से बड़ी सादड़ी रेलवे लाइन न सिर्फ स्वीकृत की बल्कि आज कंप्लीट होने वाली है और 1-2 महीने में आदरणीय मंत्री महोदय के हाथों तो उसका शुरुआत भी हो जाएगी, उद्घाटन भी हो जाएगा। मेरा आग्रह आपसे यह है कि मावली से मारवाड़ तो हो गई लेकिन बड़ी सालरी से नीमच जो रेलवे लाइन है वो भी आपने पिछले बजट में स्वीकृत कर दी। चूंकि मध्य प्रदेश का क्षेत्र है मालवा, जो भाई अनिल जी कह रहे हैं, मालवा से मेवाड़ तो जुड़ जाएगा लेकिन मेवाड़ से मारवाड़ जो जोधपुर का क्षेत्र है वो अगर मावली से मारवाड़ रेलवे लाइन जोधपुर तक कनेक्ट हो जाएगी तो निश्चित रूप से मालवा और मेवाड़ और मारवाड़ का कनेक्शन हो जाएगा, जो अपने आप में चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से हो, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो, जहां जोधपुर में भी कैंट है, नीमच में भी कैंट है डिफेंस का, तो हर दृष्टि और टूरिज्म की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण एक ट्रैक बन जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि मावली से मारवाड़ जो रेलवे लाइन है, गेज कन्वर्जन है, ये अगर पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा। चित्तौड़गढ़ से नीमच दोहरीकरण का काम चल रहा है, लगभग पूरा होने वाला है और मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि नीमच से रतलाम भी आपने अभी कुछ दिनों पहले कैबिनेट में उसकी स्वीकृति दे दी। अगर अजमेर से चित्तौड़ जो रेलवे का सर्वे हो गया, डबलिंग का सर्वे हो गया है, अगर उसकी स्वीकृति भी मिल जाती है तो ये डबलिंग हो जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन आपने कर ही दिया तो वो दिन दूर नहीं जब उस क्षेत्र में भी राजधानी और शताब्दी जैसी फास्ट ट्रेन उस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल पाएगा। चूंकि चित्तौड़ अजमेर एक बड़ा भीलवाड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र है और किसानी क्षेत्र भी है, तो ऐसे में अगर
फास्ट ट्रेनें चलेंगी और इस ट्रैक पूरा होने के बाद और भी नई ट्रेनें चल जाएगी तो उसका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। हाँ इंदौर तक भी, चूंकि वो इंदौर तक ही बढ़ेगा। इसके अलावा उदयपुर से अहमदाबाद एक ऐसा ट्रैक था जो कई वर्षों से 2008 में स्वीकृत हुआ, 8 से लेकर 14 तक मात्र 106 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने दिया। मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि 2014 के बाद कहीं पैसे की कमी नहीं आई और आज इस 2022 में वो ट्रैक पूरा होने वाला है। मैं आदरणीय मंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं, प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम, चूंकि उदयपुर एक ऐतिहासिक भूमि है, मेवाड़ एक ऐतिहासिक भूमि है, तो उदयपुर से अहमदाबाद का यह कनेक्शन हो जाएगा तो पूरे क्षेत्र में और भी नई ट्रेनें मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपसे, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि कोविड के टाइम में कुछ ट्रेनें को स्टॉपेज बंद हो गया था, कुछ लोकल ट्रेनें भी थी और कुछ दूसरी फास्ट ट्रेनें भी थी। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि वो अगर स्टॉपेज वापस शुरू हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा। कोविड में पेंशनर्स को जो सुविधाएं मिलती थी वो भी कोविड के कारण रुक गई थी, वो भी अगर स्टार्ट हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो बुजुर्ग हैं पेंशनर्स हैं उन लोगों का इसका फायदा मिलेगा। मेरा आपके माध्यम से इतना ही आग्रह, जो पटना से आप ट्रेन की बात कर रहे थे कोटा की, उस ट्रेन को अगर उदयपुर तक बढ़ा देंगे तो ये निश्चित रूप से उस पूरे कोटा और उदयपुर जो शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में एक अपना अलग नाम रहता है, तो ये निश्चित रूप से बिहार का कनेक्शन उस क्षेत्र के लोगों को होगा। वहाँ हमारे आग्रह पर एक हरिद्वार ट्रेन चली थी, वो मात्र 3 दिन चलती है, अगर वो 6 दिन चलेगी तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा फायदा उस क्षेत्र के लोगों को जो हरिद्वार जाते हैं उन लोगों को मिलेगा। बांद्रा ट्रेन जो मेरी भी है और उस क्षेत्र के सभी माननीय सांसदों की मांग है, वो मात्र 3 दिन चलती है और दिवाली और अन्य दिनों में वहाँ मुंबई से हजारों की संख्या में लोग हमारे वहाँ के लेकर रहते हैं तो ट्रैवल्स वालों को 3 गुना 4 गुना किराया देने पर भी उनको सीट नहीं मिलती। अगर वो ट्रेन पूरा सप्ताह चलेगी तो निश्चित रूप से उन लोगों को इसका फायदा मिलेगा। मेरा एक खेमली में कंटेनर डिपो आपने पिछले कार्यकाल में दिया है भारत सरकार ने, उस वजह से बहुत ट्रैफिक वहाँ जाम हो जाता है, तो चूंकि राज्य सरकार से हमें वहाँ आशा नहीं है, अगर भारत सरकार कॉनकोर थोड़ा उसका शेयर कर लेगा उसकी लागत का और रेलवे कुछ पैसा दे देगा तो वहाँ एक फ्लाईओवर बन जाएगा, तो क्षेत्र की बहुत बड़ी मांग है वो पूरी हो जाएगी। मैं एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। वहाँ वैष्णो देवी के लिए एक बहुत बड़ी मांग उस क्षेत्र के लोगों की है। माननीय मंत्री महोदय, प्रतापगढ़ हमारे क्षेत्र में एक जिला है जो रेलवे से जुड़ा हुआ नहीं है। पहली बार 70 सालों में पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मंदसौर से प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा 2 सर्वे दिए। चूंकि दुर्भाग्य से आरओआर वहां का रेट ऑफ रिटर्न कम होने के कारण वो नहीं हो पा रहा है। मेरा चूंकि राजस्थान की सरकार तो अपनी तरफ से कोई प्रयास करेगी नहीं, लेकिन रेलवे ऐसे राज्यों को पत्र लिखना चाहिए, बात करनी चाहिए कि जिन जिलों में अभी तक रेलवे लाइन नहीं पहुंची वहां राज्य सरकार, अन्य राज्यों में जिस प्रकार से सरकारें इनिशिएटिव ले रही है वैसे ही वो सरकारें आए तो हाँ, वो तो पूरा देश मान रहा है और इन 4 राज्यों के बाद ये भाई बैठा मेरा बिल्कुल तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा। मैं अमृतसर से एक उदयपुर व्यास जी के लिए ट्रेन, एक वैष्णो देवी के लिए ट्रेन, एक जैसलमेर जोधपुर ट्रेन चलती है मेरा, चूंकि वहां जोधपुर में पूरे मेवाड़ के लोग हाईकोर्ट के कारण आम आदमी न्याय के लिए वहां जाता है, वो जोधपुर जैसलमेर ट्रेन अगर उदयपुर से चल जाएगी तो उदयपुर पूरे संभाग के लोग, चूंकि आदिवासी जिला है वहां के लोगों को न्याय के लिए वहां जाना पड़ता है, तो वो ट्रेन उदयपुर तक आ जाएगी तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय मंत्री महोदय, मुझे पूरी आशा है कि हमारी जो छोटी मोटी मांगे उनको कृपया 5 मिनट में अपनी बात पूरी करने का प्रयास करें।